अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज 29 मार्च 2022 हम अभी ग्रीन स्ट्रीट में ही घूम रहे हैं। अभी बस KFC से निकले हैं और ये हम जा रहे हैं क्या कहते हैं कार पार्क की तरफ इंशाल्लाह। और फिर सिटी का प्रोग्राम था जाने का, लेकिन अभी सिटी नहीं जा रहे क्योंकि जाकिर सब कह रहे हैं कि सिटी का उनका ऑलरेडी प्रोग्राम है, सो वो कह रहे हैं कि हमें नहीं जाना। यहाँ बहुत क्राउड है इस टाइम। इधर तो इस तरह है, जब भी आप आ जाएं इस तरह लगता है या ईद है या दिवाली है। इधर जब भी आए आपको हर टाइम रश ही मिलेगा। और ये आप देखें, मैं अभी ये हमारी कबीना जा रही है साथ, ये सारी कबीना, ये सारी हाई स्ट्रीट है ग्रीन स्ट्रीट की। ये फैशन प्लाजा, ये आगे निराला स्वीट भी है, ये शूज ऑन डिक्सी चिकन, ये सारी साइड पे, ये सारी फैशन्स की दुकानें, ये देखें एम्ब्रॉयडरी की अपना जो है, और ये कुंदन ज्वेलर्स। यहाँ पे मोस्टली यही सारे इंडियन और पाकिस्तानी इसकी दुकानें हैं सारी। ये भी अब वेट कर रहे हैं सारे, रुके हुए हैं उस पर ट्रैफिक लाइट पे, पेडिसन क्रॉसिंग है। ये सारी, ये मेहंदी, ये पूजा, ये सारी पेडिसन क्रॉसिंग है। ये देखें देसी दूल्हा फैशन डिज़ाइनर, और शादी ब्याह, मौसम भी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा एरिया वगैरह घूम रहे हैं, देसी एरिया। डॉक्टर साहब को ये एरिया दिखाना था इसलिए इधर आए हैं। शाम को चला खाने का जो है वो प्रोग्राम करेंगे, उधर भी सब जाएंगे। उसको जगह मिली और वो निकल गई। ये सारी हाई स्ट्रीट है, सबसे बिजीएस्ट और अपने लोगों का गढ़ जिसको कह सकते हैं वो ये ग्रीन स्ट्रीट है। Thank you.
अफसर साहब ही अपने किसी शुगर में लगे हुए हैं, देख रहे हैं। शाह साहब कह रहे हैं इसने वीडियो खाई भी साड़ी। मसीह की यादगार है कि चलो घूमने गए थे हमने यहाँ पे। ये अब रमज़ान की तैयारी भी शुरू हो गई है। ये देखें रमज़ान ऑफर, ये इस लोकल एरिया में अब हर तरह का ये ऑफरें लगना शुरू हो गई हैं। ये रमज़ान ऑफर, ये प्रिया, ये सारी अपनी फैशन की दुकानें हैं। और ये देखें अपना देसी पकौड़े समोसे, सारा अपना देसी पकौड़े और सारा कुछ। ये सबसे बिजीएस्ट स्ट्रीट है लंदन में अपने लोगों एल्फर्ड लाइन और ग्रे स्ट्रीट। ये लंदन की सबसे ज़्यादा मशहूर स्ट्रीट है जहाँ अपने लोग सबसे ज़्यादा है। और अपने खाने हर तरह का खाना, बस हम गरीब ही हैं। अपने जहाँ कार खड़ी की थी बस कार लेनी है और चला सरकार। हेलो हेलो चाबी के ना कार एक चीज़ के ना अच्छा चाबी के ना गड़ी को मैं पहुँचा तो पास हम ना एक चीज़ होने नहीं आता चाहिए। ठीक है बस अभी असद भाई को कुछ चीज़ याद आ गई, वो कह रहे मैं ज़रा वो चीज़ लेकर आया। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा अच्छे 3 महीने गुजर गए हैं। आज इंशाल्लाह मेरा लास्ट डे है, फिर इंशाल्लाह हम भी अपने सफ़र में रवा दवा होंगे अल्लाह ने चाहा तो। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू।